ओके सो नेक्स्ट वी हैव इज फिक्सेशन इफ समन इज वेरी ठीक है वो कहता है कि नहीं मैंने इसको उसी तरीके से करना जिस तरह से तो मैं छोटे होते से करता आया हूँ ठीक है दिस इज कॉल्ड फिक्सेशन ये आपको काफी रेयर मिलेगा ठीक है दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन फिनना बट आपको जरूर मिलेगा ठीक है पर्सन को आपको समझाएंगे यार नहीं यार अब इसका नया तरीका है नहीं यार जिस तरह मैं छोटे होते से काम करता हूँ बस वही मैंने करना है ठीक है तो ये पार्शली पेशेंट पर्सन पार्शली रिमेंस एट अ मोर अच्छा और इसमें यह चीज़ याद रखें ठीक है एक चीज जो है ना आपको मैं बताता हूँ कि इमच्योर डिफेंसिस जो है या जो डिफेंस मैकनिज्म है इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट जो है ना वो परसन uh, जो है पर्सन शोइंग डैट काइंडफ एनी काइंड ऑफ इगो डिफेंस इज अ पेशेंट ठीक है दीज आर वेरी कॉमन ठीक है ऑलमोस्ट एट सेवेंटी टू एटी आई थिंक आई एम अंडर एस्टिमेटिंग इट bit maybe मे बी मे बी नाइन्टी परसेंट और परसेंट ठीक है मोस्ट मोस्ट ऑफ the पर्सन ठीक है दे आल शो सम काइंड ऑफ ईगो डिफेंस ठीक है अब ये नहीं कि आपको ये बहुत देर मिलेगा ठीक है अगर आप किसी को भी नोट करें किसी आपके आपके दोस्त को फ्रेंड को फैमिली को किसी को भी तो ऑलमोस्ट एवरी वन इज शोइंग सम काइंड ऑफ इमेच्योर डिफेंस ठीक है इनमें से कोई ना कोई शो कर रहा होता है ठीक है कि वो उसको किसी तरीके से डिस्कस करें तो कहता हैं जी अच्छा नहीं ये इस तरीके से है तो ये चीज़ आपने याद रखें दिस इमेच्योर डिफेंस आर नॉट अ काइंड ऑफ के डिजीज और वैसे भी हम जो है ना इन बिहेवियर साइंसिस हम किसी पेशेंट अगर किसी पर्सन को हम एज अ पेशेंट हमने उसको लेबल करना है ठीक है कि दिस इज अ साइकेट्रिक पेशेंट ठीक है या इसको कोई बिहेवियर का प्रॉब्लम है तो उसमें फर्स्ट जो हमारा डायग्नोसिस का जो मेन रोल ये होता है दैट थिंग इज़ डिस्टर्बिंग हिज लाइफ ठीक है अगर किसी उसको इस डिफेंस मैकेनिज्म से या किसी भी किस्म की कोई इसको साइकेटिक डिजीज है किसी किस्म के बिहेवियर प्रॉब्लम है अगर वो पेशेंट बिल्कुल फुली फंक्शन कर रहा है अपना उसको पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है सोसाइटी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो वो दैट पेशेंट इज़ हेल्थी ठीक है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर साइंसिस अकॉर्डिंग टू सैकेट्रिक साइकैट्रिक ठीक है ये चीज़ याद रखें मैंने ये बताना चाहता था ठीक है तो ये जब आप पढ़ेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट जो जिसमें ये होगा वो पेशेंट जो इल है ठीक है ये नॉर्मल लोगों में होता है बिकॉज के मेंटल हेल्थ जो है या इस तरह की कोई हो ही नहीं सकता है कि किसी किसी हर बंदे को जो ना कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी ना हो ठीक है तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है ठीक है ये जो डिफेंस मैगनिज्म है ये नॉर्मली लेवल पर चल रहे होते हैं आपके ब्रेन में ठीक है

के टाइम पे नहीं आ पाए या इस तरह का वो कहते हैं क्योंकि उनकी जैसे शुरू से अब जिस आर्मी वाले होते हैं ठीक है अब ये चीज़ आपको पता होगा जिनका कोई आर्मी के रिलेटिव हैं ठीक है दे आर वेरी वेरी फिक्सेटेड ऑन टाइम के मुताबिक ठीक है टाइम के ऊपर ठीक है वो एग्जैक्ट टाइम पे शुरू करना क्योंकि इनके ये रूटीन बन चुकी होती है ठीक है? है तो दिस ए,

देखें जब बाइपोलर बाइपोलर डिजीज है हमारे पास ठीक है अब आइडियलाइजेशन क्या होती है कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सब कुछ ना किसी तरीके से होती है ठीक है अब इसमें होता है कि हम एग्जाम्पल लेता हूँ मैं वैसे इतना पॉलिटिकल नहीं होना चाहता ठीक है लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं इमरान खान की एग्जांपल लेते हैं ठीक है अब क्या होता है कि उसके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा ठीक है आई थिंक पाकिस्तान का लीडर का सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उसी की है ठीक है अब जो आइडियलाइजेशन होती है वो क्या होती है कि आप उसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जो रखते हैं चीज़ें उसके बारे में ठीक है कि इमरान खान या समवन एल्स ठीक है जो भी है ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा है ठीक है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छा है ठीक है वो जनाब ये करेगा वो करेगा लेकिन हम उस बिल्कुल इग्नोर करते हैं उसकी नेगेटिव थाट्स को ठीक है दिस इज़ कॉल्ड आइडलाइजेशन किसी को आइडलाइज करना आपने ठीक है ये सेलिब्रिटीज के बारे में आता है ठीक है जब उनके बारे में कोई ऐसा स्कैंडल आता है तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते ओ यार ये कैसे हो सकता है यार ठीक है ये तो बंदा इतना अच्छा था ये कोई गलत काम कर नहीं, नहीं सकता दिस इज कॉल्ड आइडलाइजेशन अगर आप इसको नोट करें ठीक है गिव गिव इट इट सम टाइम तो आप नोट करेंगे यू हैव डन सम काइंड ऑफ आइडलाइजेशन इन योर लाइफ ठीक है ऑलमोस्ट एवरीवन हैज ठीक है तो दिस इज अमच्योर डिफेंस आपकी आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस चीज को ठीक है तो दिस इज एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव थॉट्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स अपने आप के ऊपर भी हो सकता है ठीक है कि मैं ऐसा हूं मैं बड़ा हूं जो जिस तरह नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज आती हैं ठीक है कहते हैं यार मैं तो कोई गलत काम कर ही नहीं, नहीं सकता ठीक है तो दिस आल्सो इन्वॉल्व योर सेल्फ ठीक है एंड अदर्स वाइल इग्नोरिंग नेगेटिव थॉट्स कहते हैं कि नहीं नहीं गलत काम नहीं करता पेशेंट बूस्ट अबाउट हिज फिजिशन एंड इज एक्म्प्लिसमेंट वाई एल इग्नोरिंग एनी फ्लॉस ठीक है इसलिए एक एक, एक लोग कमाल नहीं है यार बस नॉर्मल सही है कहता है यार तु, तु, तुझे क्या पता उस डॉक्टर से कोई ऐसी छोटी सी गलती हो जाती है ठीक है तो वो बिल्कुल हंड्रेड डिग्री टर्न लेते हैं ठीक है थीके? जितना वन एटी होते हैं जिसमें टर्न लेते हैं ठीक है नहीं यार ये तो बहुत बुरा है ठीक है तो ये आइडियलाइजेशन होती है एक्सट्रीम अब जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी बाईपोलर डिजीज ठीक है बाईपोलर में क्या होता है कि दे ओनली थिंक अबाउट टू पोल्स वेदर सम इज़ वेरी गुड ठीक है और सम वन इज़ वेरी बैड ठीक है वो उनके लिए ग्रे जोन दरमियान मिडिल जोन कोई नहीं है ठीक है ये इसको हम बाईपोलर डिसऑर्डर कहते हैं ठीक है वो यही करते हैं आइडियलाइजेशन उसमें बहुत ज़्यादा होती है फॉर एग्जाम्पल इसमें लेते हैं कि लव uh, की एग्जाम्पल लेते हैं जो रिलेशनशिप्स होते हैं ठीक है uh, जो बाईबोलट पेशेंट्स होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं ठीक है वो बहुत एक्सट्रीम होते हैं उनके ठीक है किस तरह होते हैं कि वो बिल्कुल जो है ना कहते हैं कि यार ही इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर मी ठीक है वो उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचती हैं यार ये है वो है ये है वो है उनकी एक फाइट हो या कोई एक उसका आपस में कोई थोड़ा बहुत ना प्रॉब्लम आ जाए तो वो यकदम जो है ना उसके लिए बहुत बुरा बन जाता है ठीक है तो दिस इज एन आइडोलाइजेशन ठीक है जो कि इमेचोर डिफेंस आप काफी जो लोगों में देखेंगे ठीक है नेक्स्ट इज आल्सो रिलेटेड विद आइडेशन आइडेंटिफिकेशन ठीक है अब मुझे तो याद है अब आज का नहीं मुझे पता क्या होता है कि लोग जो है ना जब हमारे जमाने में होता था शाहरुख खान था ठीक है लोग उसकी तरह का स्टाइल बनाते थे हेयर स्टाइल उसकी तरह के कपड़े पहनते थे इस तरह जो और मल्टीपल सेलिब्रिटीज हैं ठीक है उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ठीक है लार्जलीस ठीक है वो खुद से नहीं कर रहे होते ठीक है बनना चाहते हैं ठीक है कोई सेलिब्रिटीज है उसको कॉपी करने कि वो उसकी तरह आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ठीक है जिस तरह का वो है उस तरह का वो बनना चाहते हैं जूनियर डॉक्टर स्टार्ट्स पुटिंग स्टेथोस्कोप इन हिज पॉकेट फेवरेट like अटेंडिंग ठीक है? डाक्टर, डाक्टर को है, यार कि वो में है तो वो भी उसको इस तरह कर देता है, ठीक है? कि वो इस, ए, है वो उस तरह के कपड़े पहनते हैं ये फेमस सेलिब्रिटीज कोई एक ब्रांड किसी ने एंडोर्स कर दिया तो सारे उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं ठीक है तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन क्लियर है तीन ठीक है नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो लोग कुछ जो है ना किसी चीज को इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर सकते ठीक है, है वो फिर उसको विद फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना उसको जो है ना अपने माइंड को समझाने के लिए वो चीज़ यूज करते हैं ठीक है उसको अपने लिए एक्सेप्टेबल बनाने के लिए ये चीज करते हैं क्या है कि यूजिंग फैक्ट्स एंड लॉजिक्स टू इमोशनली डिस्टेंस वन सेल्फ फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल कंडीशन ठीक है आप जा रहे हैं ठीक है रोड पे रोड एक्सीडेंट हो गया ठीक है आप जो है ना उसकी कोई आपको उसकी इमोशनली उसकी हेल्प करनी चाहिए ठीक है आप उसकी हेल्प नहीं कर कर की है ठीक है बाद में अगर आपसे कोई पूछेगा यार तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की तो कोई अपनी तरफ से को कोई लॉजिक को बना के कोई अपनी तरफ से कोई फैक्ट बना के यार नहीं वो इसमें ये था इतने परसेंट ये चांस थे वो चांस थे ठीक है ना तो वो ये चीज दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअलाइजेशन ठीक है कि उसको इमोशनली ये नहीं कह रहे यार कि वो यार मेरे से गलती हो गई मुझे करना चाहिए था दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट रियलिटी वो कहते हैं नहीं यार वो मुझे बड़ी वो थी ये था ठीक है दिस रिकार्ड इंटेलेक्चुअलाइजेशन और ये बहुत ज़्यादा सिवियर भी हो सकती है ठीक है ये आपको बड़ी मिलेगी और आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन ठीक है हर बंदा मोस्टली यही करता है कि यार नहीं यार वो जो है ना यार तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते यार बस वो मेरे साथ ये है वो ठीक है इस तरह वो डिफरेंट चीज़ें को वो अपने को ना वो लॉजिक पे बताता है उसका नेक्स्ट इज अच्छा इसकी एग्जाम्पल क्या थी इनाथेरेपी सेशन पेशेंट डायग्नोस्ड विद कैंसर फोकस ओनली ऑन रेट्स ऑफ सर्वाइवल ठीक है इसमें क्या होता है कि वो उसको अपने इमोशनली जो उसका जो है ना स्ट्रेस uh, से बचने के लिए इमोशनली डैमेज से बचने के लिए ठीक है वो सिर्फ कर नहीं टू परसेंट है टू परसेंट चासेज हैं ठीक है वो अपने फैक्ट्स बताने के लिए ना आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो है ना बचने की कोशिश कर रहा है ठीक है वो ये नहीं देख रहा कि यार नाइनटी एट परसेंट वो भी है ठीक है तो देख किसी बहाने से ना उसको इमोशनली एक्सेप्टेबल बनाना अपने आपके लिए ठीक है वो ये है नेक्स्ट इज आइसोलेशन ठीक अपने आप को आइसोलेशन करना लेकिन आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट है जो पहले हमने पढ़ा था वो हम डिसोसिएशन पढ़ी थी ठीक है वो बिल्कुल डिसोसिएट हो जाती है उस चीज से उसको कुछ चीज याद ही नहीं रखते उस चीज से ठीक है अब आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट क्या है ये हमें मोस्टली मिलती है डिप्रेशन के पेशेंट में भी ट्रॉमा के पेशेंट में भी मिलती है थीके? अब इसमें क्या होता है कि से, सेपरेटिंग फीलिंग्स फ्रॉम आइडियाज एंड इवेंट्स कोई किसी को बताएगा ना कि अच्छा एक तो डिसोसिएशन थी ठीक है उसको वो चीज़ याद ही नहीं रहेगी ठीक है अच्छा यार मुझे ये वो है मेरे साथ ये चीज़ हुई नहीं है यार अब आइसोलेशन और क्या होता है इफेक्ट का मतलब होता है कोई भी इमोशन या फीलिंग ठीक है उसको फीलिंग को एसोसिएट कर देते हैं उसको आइसोलेट सॉरी कर देते हैं उस, उस चीज से डिस्क्राइबिंग मर्डर इन ग्राफिक डिटेल विद नो इमोशनल रिस्पॉन्स कहते हैं अच्छा ये ये मर्डर रेप भी हो सकता है अब्यूज भी हो सकता है ठीक है किसी भी किस्म का ड्रामा उसको ऐसे डिटेल में बता रहा है जैसे उसके साथ उसका लिंक ही नहीं है उसको इमोशन से बिल्कुल उसने डिटैच कर दिया हुआ है ठीक है इमोशंस कोई फील ही नहीं कर रहा वो बस उसको उनको बताया ही जा रहा है कि अच्छा ये हुआ था ये ऐसे हुआ था वो इधर गया लोग सोचते हैं यार कि इसको फीलिंग नहीं आ रही बेचारे को लेकिन वो इसलिए उसने फीलिंग्स को अटैच उसको सेपरेट कर दिया हुआ है डिटैच कर दिया हुआ है क्योंकि डैट विल हर्टिंग ठीक है वो उसको फीलिंग्स लाती नहीं है उसके अंदर ठीक है उसको सिर्फ फैक्ट्स उस पर बात कर रहा है तो ये दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन नेक्स्ट इज पैसिव अग्रेशन ठीक है ये आपको पता है मोस्ट ऑफ काफी लोग करते हैं पैसिव अग्रेशन ठीक है डिमॉन्स्ट्रेटिंग हॉस्टाइल फीलिंग्स इन अन्फ्र कंफ्रंटेशनल मैनर ठीक है शोइंग इन डायरेक्ट अपोजिशन ठीक है आपको जो है ना अच्छा इसमें एग्जाम्पल कुछ इम्प्लाई है ठीक है इम्प्लाई जो है वो जो है ना बार बार लेट है ठीक है लेकिन वो जो है ना बट वॉन्ट एडमिट इट इज अ वे टू गेट बैक एट द मैनेजर ठीक है अब क्या बात है कि देखें इसमें एक चीज होती है कि अब उसका मैनेजर है या उसका बॉस है किसी भी एम्प्लॉ का वो जो है उसके साथ जो है ना जब वो काम के दौरान में उसके साथ जो है ना अच्छा बिहेव नहीं करता उसको बार बार डांटता है उसको ये करता है उसको वो करता है ठीक है जिसकी वजह से ठीक है अब जो इम्प्लॉय है वो उसको खुद से कुछ कर नहीं सकता ठीक है उसको डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता और ये एक तो वो फिर वो डिस्प्लेसमेंट भी शो करेगा अपने नेगेटिव इमोशंस किसी और पे डिस किसी और और पे डिसप्लेस करेगा और दूसरा ये होगा पैसिव अग्रेसिव उसने शो किस तरह करनी है कि रोज़ लेट आएगा ठीक है उसको डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह सकता ठीक है वो रोज लेट आएगा चलो तो बॉस मेरा क्या कर लेगा इसको मैं किसी ऐसे तरीके से इसको मैं तकलीफ पहुंचाऊं ठीक है जो कि प्रॉपर अग्रेशन भी ना हो और इसको शो भी हो जाए कि यार कि मैं इस चीज से वो नहीं हूँ ठीक है अब जिस तरह मैं हूँ ठीक है एक टीचर है ठीक है स्टूडेंट है स्टूडेंट कोई टीचर को पसंद नहीं है ठीक है वो टीचर को डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते ठीक है वो उसका काम नहीं करेंगे उसके असाइनमेंट नहीं करेंगे ठीक है दे स्टूडेंट्स आर शोइंग पैसिव पैसिशन ठीक है आप जो है ना बच्चों को मारेंगे ठीक है बच्चे वापस आपको नहीं मार सकते लेकिन वो आपसे बात नहीं करेंगे ठीक है वो आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे मिसबिहेव करेंगे दैट इज आल्सो पैसिव अग्रेशन ठीक है वैसे भी किसी भी अपने अग्रेशन को पैसिव स्टाइल से शो करना ठीक है तो, तो दिस इज कॉल्ड पैसिव अग्रेशन इसकी समझ लग गई सबको ठीक है सब